topic, double helical model of DNA. In the previous video, we have already discussed how polynucleotides are formed. You see, when nitrogenous base and pentose sugar are combined together, they form nucleosides, and nucleosides combined with phosphoric acid to form nucleotides, and one or two nucleotides combined together with phosphodiester bonds, then polynucleotides structure are formed. So now discuss double helical model of DNA. Today the most accepted model, which was proposed by J.D. Watson and F.S.C. Crick, proposed the secondary structure of DNA, and that models are known as double helical model of DNA. For this, they are awarded Nobel Prize along with Wilkins. Wilkins के साथ इनको Nobel Prize मिला था इसके लिए for the structure of DNA के लिए. Now discuss what is the silent feature of DNA. First of all, we draw the diagram of DNA. You see that DNA are sparsely coiled on an imaginary axis. आप देखते हो कि imaginary axis के around जो होता है DNA sparsely आपका coiled होता है. ठीक है? DNA are coiled on sparsely on imaginary axis. This is the strands of DNA and two strands are anti-parallel to each other. Which strands are made up of sugar and phosphate backbone. ठीक है, ये आपका DNA का structure होगा. इस DNA के structure में आप देख रहे हो कि दो strands जो है आपके imaginary axis पे आपके coil arrange है, और वह दोनों स्टैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल है. इट मींस अगर एक स्टैंड आपका 5-2 3 डायरेक्शन में है और 5-3 पे आपका फास्फेट होगा, 3-2 आपका OH होगा, तो सेकंड स्टैंड जो आपका जस्ट अपोजिट होगा, यानी 3-OH होगा और आपका 5-B होगा. ठीक है, अब इसी डीएनए स्ट्रक्चर को अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर ड्रा करते हैं, तो आप देखिए हो कि अभी आपने देखा था कि जो भी आपके पेंटोज शुगर होंगे इन द केस ऑफ DNA, वो आपके फ्यूरॉन फॉर्म्स में होते हैं, फ्यूरॉन फॉर्म्स में होंगे, और इस फ्यूरॉन फॉर्म में आप देखोगे कि जो आपका नाइट्रोजनस बेस होगा, वो नाइट्रोजनस बेस आपका कार्बन नंबर 1 से जुड़ा होगा. ठीक है, नाइट्रोजनस बेस आप देखते हो कि कार्बन नंबर 1 से आपका जुड़ा होता है. इसके अलावा 5-3 पे आप देखते हो फॉस्फेट होगा, और इसका 3-3 भी जो होगा आपका फॉस्फेट से जुड़ा होगा, और जुड़ करके आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, ये तो हो गया पहला स्टैंड. सेकेंड स्टैंड बनाएंगे जस्ट इसके अपोजिट होगा, तो यहाँ पर आप देखोगे जो आपकी रिंग होगी ठीक उल्टी हो जाएगी इनकम्प्लीट विद दिस. तो यहां पर भी आप देखोगे सेम स्ट्रक्चर आप यहां भी ड्रा करोगे. और यहां से आप फास्फेट ऐड कर देंगे, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा. फिर यहां कार्बन नंबर 1 से एक आप नाइट्रोजनस बेस ऐड कर दोगे, इस तरह से आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका डीएनए का. अब आप जानते हो कि जो एडनिन है वो पेयर करता है आपका थायमिन से, उसके बीच में आपके दो हाइड्रोजन बॉन्ड लगते हैं, या थायमिन पेयर करेगा एडनिन से दो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ग्वानिन पेयर करता है साइटोसिन से, इसमें आपके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. इस तरह से आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो जाएगा आपका डीएनए का. अब हम बात करेंगे व्हाट इज द साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक. लेट अस सी फर्स्ट पॉइंट. इन दिस केस डीएनए आर मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. डीएनए आपके दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर के बने होते हैं, और ये बेसिकली आपके किसके बने होते हैं, सुगर और फास्फेट से मिलकर के बने होते हैं. जो भी आपका डीएनए होगा वो आपका सुगर और फास्फेट से मिलकर के
बना होता है, और जो दोनों आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज होंगे या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज होंगे एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। इट मींस अगर एक स्टैंड पे आपका 5-P 3-OH है तो दूसरा स्टैंड जो होगा आपका 3-5 होगा, ठीक है। और साथ ही साथ देखोगे कि जो आपकी डीएनए के आपके पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, वह आपके इमेजिनरी एक्सिस के स्पाइरली अरेंज होते हैं। इस तरह से वह अरेंज होते हैं कि उनका लैटरल सेपरेशन कर पाना मुश्किल होता है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं कि यहां पर आप देखोगे कि जो भी आपका टर्न है, मीन्स यहां से ये आप मूव करेंगे और मूव करके यहां पहुंचेंगे, तो एक कंप्लीट जो आपका टर्न होगा, एक कंप्लीट टर्न में जो टोटल आप देखोगे जो डिस्टेंस होगा वह डिस्टेंस आपका 34 एंड स्टार्ट होगा। देखने का एक जो आपका रोटेशन पॉइंट टर्न होगा तो उसमें आपका 34 एंड स्टार्ट होता है, और इस टोटल आपके डिस्टेंस में टोटल आपके 10 नाइट्रोजनस बेस आपके पार्टिसिपेट करते हैं। यानी अगर हम दो नाइट्रोजनस बेस के एडजेसेंट दूरी निकालें तो यह आपका हो जाएगा 34/10 यानी 3.4 एंगस्ट्रॉम। दो नाइट्रोजनस बेस की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट क्या है कि आप देखो कि आप जानते हो कि जो नाइट्रोजनस बेस आपका एडेनिन वह पेयर करता है आपका थाइमिन से विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन पेयर करता है आपका साइटोसिन से विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। एडेनिन पेयर करेगा आपका थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, या आपका थाइमिन पेयर करेगा एडेनिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ग्वानिन पेयर करता है आपका साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, या वाइस वर्सा। इट मींस क्या हुआ कि ए इज कंप्लीमेंट्री टू टी या टी कंप्लीमेंट्री टू ए, इट मींस जितना आपका एडेनिन होगा उतना ही आपका थायमिन होगा। सेम चीज यहां होगा कि ग्वानिन इज कंप्लीमेंट्री टू सी साइटोसिन या साइटोसिन कंप्लीमेंट्री टू जी। यानी हम कह सकते हैं ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इज इक्वल टू 1 एंड दैट रूल्स आर नोन एज चारगांव रूल, ठीक है। आप देखें कि जितना एडेनिन होगा उतना ही आपका थायमिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना ही आपका साइटोसिन होगा, और इनका जो रेशियो निकालेंगे ये आपका इक्वल टू 1 की होगा, एंड दैट रेशियो आर नोन एज चारगांव रूल। ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि जो आपका इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस से जो आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट है, जो आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट है ये आपका 36 डिग्री होता है, ठीक है। जो आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट आपको कितना होता है 36 डिग्री होता है, और इस जो डीएनए हेलिक्स है इसका जो डायमीटर होगा यह डायमीटर आपका 20 एंगस्ट्रॉम इसकी डायमीटर होगी, ठीक है। तो ये आपके साइलेंट फीचर हैं डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए में। यहां पर आपने देखा कि जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने होते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, और वह आपके एक इमेजिनरी एक्सिस के स्पाइरली अरेंज होते हैं। बोथ द स्ट्रैंड्स आर मेड अप ऑफ शुगर एंड फास्फेट से मिलकर के बना होता है। यहां पर जो पेयरिंग होगी प्यूरिन और पिरिडिन की होगी, पिरिडिन पेयर करेगा थायमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ग्वानिन पेयर करता है साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, यानी ए कॉम्प्लीमेंट्री होगा टी के, जी कॉम्प्लीमेंट्री होगा आपका सी के, या कह सकते हैं ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इक्वल टू 1 एंड दैट इज आवर नोन एज चारगांव रूल। आप देखोगे एक कंप्लीट जो रोटेशन होगा, एक कंप्लीट जो टर्न होगा, जो उसकी टोटल डिस्टेंस होता है वो टोटल डिस्टेंस आपका 34 एंगस्ट्रॉम होता है, और इस टोटल आपके कंप्लीट टर्न में टोटल आपके 10 नाइट्रोजनस बेस आते हैं, और अगर हमको दो नाइट्रोजनस बेस के बीच का डिस्टेंस पता करना होगा तो 34/10 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, यानी दो एडजेसेंट नाइट्रोजनस बेस की दूरी आपकी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। द एवर डिस्क्राइब्ड मॉडल ऑफ डबल हेलिकल मॉडल इज गिवन फॉर बी फॉर्म ऑफ डीएनए। वाटसन और क्रिक ने जो आपको मॉडल दिया था डबल हेलिकल मॉडल, वो किस फॉर्म ऑफ डीएनए दिया था आपका? बी फॉर्म ऑफ डीएनए दिया था, क्योंकि आप जानते हो कि डीएनए आपके बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए, ई डीएनए। तो दिस टाइप ऑफ मॉडल गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक इन द बी फॉर्म ऑफ डीएनए। सो दैट इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। थैंक यू।